या राज्यपाल आप कह लीजिए, लड़ाई अब और मुखर होती जा रही है। हर वार का पलटवार एक नए सिरे से आता है, एक नई धार के साथ आता है। इस बार फिर से आजम खान ने उस बयान का जवाब दिया है, पलटवार किया, और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान का वो दिखावा करते हैं, और राज्यपाल के संदर्भ में उन्होंने कहा कि राजभवन, उन्होंने कहा कि मेरी बर्खास्तगी जो करने की सोची जा रही है बात, वो इस समस्या का हल नहीं है और देश को नेताजी की जरूरत है। पंकज श्रीवास्तव हमारे रिपोर्टर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या कुछ कहा है आजम खान ने, क्योंकि अब राजभवन की निगाहें भी टेढ़ी थी और ये उम्मीद की जा रही थी कि आजम खान पर तो कोई कार्रवाई संभव है, लेकिन यहाँ पर जवाब किसी और रूप में आ रहे हैं। जी, हम बताते चले, आज ये जो यहाँ पर अखिलेश जी की यहाँ पर जनसभा थी, और जैसा कि योजनाओं को लेकर लोकार्पण और शिलान्यास था, उसमें आजम खान भी आए हुए थे, और आजम खान खुद कह रहे थे कि मैं यहाँ पर आना नहीं चाहता था, लेकिन हमको आना पड़ा क्योंकि हमें कुछ सवालों के जवाब देने थे यहाँ पर। जैसे कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो सामंजस्य नहीं है, और लोग जैसी भावनाएं कर रहे हैं, और जहां तक उनका निशाना सीधा सा से केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार जो है वो भेदभाव कर रही है, और उसी को लेकर आजम खान ने यहां पर कई बातों पर टिप्पणी की। जी पंकज, राज्यपाल की तरफ से भी इसका जवाब आया, उन्होंने कहा कि आजम खान संसदीय मंत्री तो हैं लेकिन असंसदीय भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं, और इसका कई बार प्रमाण आजम खान ने दिया, और शायद यही वजह थी कि उनकी अनएडिटेड सीडी मंगाई भी गई थी, और उसको देखने के बाद ये उम्मीद जगा रहे थे राज्यपाल कि सीएम से मुलाकात करेंगे और उन पर कार्रवाई का दबाव बनेगा। लेकिन इस तरह की बयानबाजियों को देखकर कम से कम ये नहीं लगता कि कोई कार्रवाई होने की नौबत आएगी? उनका साफ कहना था कि हमको बर्खास्तगी होते हुए लोग देखना चाहते हैं, और जहां तक इनका सीधा निशाना केंद्र सरकार पर ही था कि हमको ये लोग कह रहे हैं कि बर्खास्त हो बर्खास्त, लेकिन हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, हमने मुलायम सिंह का हमेशा साथ दिया है और हमेशा साथ देंगे। अगर बर्खास्त होगा भी और लोग चाह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान भाग जाऊं, तो मैं भागने वाला नहीं। बहुत शुक्रिया आपका।